चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। यदि किसी राज्य का राज्यपाल दोस्त राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। अगला है, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213। अगला है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। अगला है, संघीय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिए, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, यह कथन किसका था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का। अगला, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो बाल विवाह से संबंधित। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण रिक्षण की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति, महाभियोग किया थे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया? तो है अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोजन के गठन के लिए। अगला, 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 280। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए, केसी नेयोगी। अगला, किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो यह राजा मन्नार समिति। अगला, संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? तो याद रखिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यहाँ याद रखिए, मेघालय मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अगला, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ दिया गया? 7वीं अनुसूची में। अगला, 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो याद रखिए, 14। अगला है, भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में। अगला, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946। अगला है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। अगला है, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? तो दोनों का समन्वय है। अगला है, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। अगला है, तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। अगला, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? और अतारांकित प्रश्नों के, तारांकित प्रश्नों के मौखिक और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित दिए जाते हैं। भारतीय गणराज्य का संविधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। पाकिस्तान से आए भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख
किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 6 में। अगला, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 20। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुशंसा। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली। अगला है, अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए कौन तिथि कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। अगला है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के। अगला है, सार्वजनिक धनुष का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? हैबियस कॉर्पस। अगला, न्यायालय प्रतिषेध रिट किस उद्देश्य से जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। अगला, 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में। याद रखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार उनमें से हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया था? तो यह संकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। अगला है, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करती है? करता है मंत्रिपरिषद। अगला है, प्रतिषेध और उत्पेषण प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। अगला है, विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूस में कार्य करना प्रारंभ कर दिया अगला, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र के को किस रूप में स्वीकार किया गया? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। अगला, भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारा कौन होता है? भारत की जनता। अगला, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? किप्स प्रस्ताव 1942। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अगला, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की उदाहरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38। अगला, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटिश सम्राट का। अगला, भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा। अगला, भारत के किन राज्यों का पृथक संविधान है? यह संविधान किस बस अंगीकार या लागू किया गया? जम्मू कश्मीर का 1957 में। लेकिन आपको बता दें, जैसे कि पहले बात कर चुके हम लोग, कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटा दिए गए हैं। अब यहाँ कोई संविधान इसका नहीं रहा। अब जो प्रावधान पूरे इंडिया में लागू होंगे, वही यहाँ भी। जम्मू कश्मीर में जब तक संविधान था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? तो भारत का राष्ट्रपति। अगला है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद का कोई भी सदन। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? ऋणों पर ब्याज का भुगतान। एक अभियुक्त को जिसे सत्य न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है,
किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। अगला है भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकता है? जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो। अगला है भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर बीएन राव ने। अगला, संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन उसकी कार्यवाहियों में अधिकारता भाग ले सकता है? तो याद रखिए, भारत का महान्यायवादी। अगला, मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? केवल राष्ट्रपति को।